Assalamualaikum. ये देखेंगे सुबह 6 बजे का टाइम है और हम शिकार पर निकलने की तैयारियां कर रहे हैं। बाज आपको अब अपने सारे दिखाते हैं। ये हमारा जो है तरीनक बाज है, कटा फीमेल गोशॉक, एडल्ट फीमेल गोशॉक। ये एडल्ट मेल गोशॉक है, नॉन मेल। ये भी फीमेल गोशॉक है, ये जो है नाइल फीमेल गोशॉक चूज बॉक्स। और ये जो है ये भी मेल गोशॉक है, एडल्ट मेल गोशॉक। और ये जो एक गाड़ी पे बैठा हुआ है ये भी फीमेल गोशॉक है। और ये हमारे पॉइंटर डॉग्स जो है, ये देखिए तो ये हमारे बाज हैं आज। और यहाँ से हम सरगोदा फोर्ट पहलवान से निकलने लगे हैं शिकार के लिए। देखें आज का कैसा रहता है शिकार। ये इब्राहिम के जुरे ने तितर मारा है, ये देखें। ये इब्राहिम है और ये इसका डॉग है, ये वाला बॉबी। ये जैक है। तो यहाँ पर एक और तितर जो है वो दाब पड़ा हुआ है, मसलन छुप गया है बाज से। बाज से तो अब हम बाज को बुलाने लगे हैं और ये तीतर उड़ गया पहले और हमारा बाज भी उसके पीछे लग गया। ये फिर अगर छुप गया तीतर, अब हम इसी चीज़ के इंतज़ार में हैं। हमारे पॉइंटर डॉग्स हैं, ढूंढ रहे हैं तीतर को। ये मस्ट चीज़ है पॉइंटर जो है, ख़ास तौर पर बाज के साथ जो तीतर का शिकार है। अब ये इतनी घनी झाड़ियों में पॉइंटर डॉग जो है वो ही लोकेट कर सकता है पार्ट्रिज को, और ये उसने पकड़ लिया हाथ से तीतर बंदे ने। अब ये क्योंकि बाज, जैसा कि आपने देखा है, बाज मेहनत से इसे लेके आया था यहाँ तक, तो अब उसे हम बाज को सिला देंगे। इसका तीतर यहाँ पर ही देना है। अगर बाज को चाहते हैं हम कि बाज आइंदा आने वाले वक्त में अच्छा शिकार खेले, तो इसका हक बनता है इसे यहाँ पर ही खिला दिया जाए। अब तकरीबन शाम हो चुकी है, बस आखिरी शिकार था ही हमारा। उसके बाद हम इसे बस कर देंगे, इसको खाने देंगे।
तीतर के ऊपर ये देखिए मेल तीतर था जिसे हम नर बोलते हैं, और ये इसलिए दिखाया जाता है कि निशानी होती है कि बड़ा जोर लगवाया है, नर को मारना आसान नहीं होता। मादी जो होती है फीमेल तीतर वो नर की निस्बत जो है, क्योंकि वो फीमेल है उसकी उड़ान इतनी ज़्यादा नहीं होती, कुछ वो इतनी दलेर भी नहीं होती जिसकी वजह से वो सहम जाती है पहले और जल्दी मारी जाती है। तो ये इसने नर मारा जुरा तीतर, तरनाक जुरा अडल्ट मेल गोशॉक, यहाँ पर ही सत्ता मारेंगे। अब ये ऊपर ही बैठ के जो है तीतर के खा रहा है, पार पट रहा है, तो ये जब भी आइंदा इसे छोड़ा जाएगा तीतर के ऊपर तो ये याद रखेगा कि मैंने पकड़ा था और मुझे वहाँ पर खाने को मिला था। ये बहुत ही मर पड़ा है और एरिया देखिए माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत इलाका है। याद करेगा कि मैंने ऊपर खाया था और अगली दफ़ा और मेहनत से दिल से उड़ेगा तीतर, ज़्यादा स्पीड।